आलस व्यक्ति को अंततः चरित्रहीन बना देता है, क्योंकि आलसी व्यक्ति अपनी जरूरत या इच्छा को पूरी करने के लिए किसी भी हद तक गिर जाता है। आलस्य पतन का कारण बनता है। जिन्हें जीवन की मृग मरीचिकाओं के पीछे भागने की आदत होती है, वे लोग कदम कदम पर ठोकर खाते हैं। रिश्तों में एक निश्चित दूरी मेंटेन करनी चाहिए, ताकि रिश्तों में कड़वाहट ना घुले। अगर दिलों के बीच नजदीकी हो, तो जहाँ रिश्ता ना हो वहाँ भी रिश्ता खुद ब खुद बन जाता है, और जहाँ दिलों के बीच फासला हो वहाँ रिश्तों के नजदीकी होने पर भी वो अर्थहीन साबित होते हैं। जो लोग बुरे लोगों के प्रति निष्ठा रखते हैं, उन लोगों के प्रति निष्ठा रखना मूर्खता है। जहाँ अपनापन ना मिले वहाँ सामने वाले व्यक्ति से उम्मीद रखना मूर्खता है। वैसा व्यक्ति जिसके पास दौलत और शोहरत हो, वह व्यक्ति भले ही चरित्रहीन क्यों ना हो, लोगों को उसमें कोई कमी नजर नहीं आती। ऐसे लोग चाटुकार होते हैं। कई बार उलझे हुए और जर्जर हो चुके रिश्तों का टूट जाना भी बेहतर होता है, ताकि नए रिश्ते बुने जा सकें और जिंदगी की उलझने सुलझ सकें। जर्जर चीजों का टूटना स्वतः ही प्रकृति का नियम है। आप अपनी व्यक्तिगत लड़ाई हार जाएं तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब आप सच के लिए लड़ रहे हों तो आपको किसी भी कीमत पर जीतना ही होगा। आपको अपनी क्षमता बढ़ानी होगी, नामुमकिन को मुमकिन बनाकर दिखाना होगा। अच्छे लोग हारते हैं क्योंकि उनमें एकता नहीं होती, जबकि बुरे लोग लालच के चुंबक से एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। उदार होने का मतलब यह नहीं होता है कि आप बुरे लोगों के प्रति भी उदार हो जाएं। बुरे लोगों के प्रति उदारता तो मूर्खता है। जिन रिश्तों की जड़ें सूख गई हैं, उन रिश्तों को जिंदगी से दूर कर देना ही बुद्धिमानी है। बुराई के प्रति बुरी तरह से निर्मम होना ही धर्मपथ है। जो लोग किसी के प्रति मोह में पड़कर सही और गलत का फर्क समझना भूल गए हैं, उन्हें बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी सही रास्ते पर नहीं ला सकता। मोहग्रस्त व्यक्ति को पतन के बाद भी मूर्खता का ही एहसास होता है।